गुड इवनिंग दोस्तों, मुस्कान, पुष्पा, अनामिका, सुजीत राज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैमरा ऑन करेंगे, 2-3 मिनट रुक जाइए। जब हम अपने फेसबुक पर लगा दें लिंक कुछ बच्चों के लिए। बस 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 हो रहे, कैमरा ऑन कर ही रहे। हाँ चलो, बहुत ठंडा है आज। चलो भाइयों और बंधुओं, शुरुआत करें। हेलो हेलो, चलिए जी, क्या है करना? प्रीपोजिशन है करना, ठीक है। और प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रीपोजिशन कैसा चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन 3 दिन से तो हुआ नहीं था, कैसे इम्पॉर्टेंट माने? इम्पॉर्टेंट था तो आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्यों रोक दिए? अरे भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, आवाज़ जा रहा होगा दो बारी को होके। चलो ठीक है। हाँ जी, आज हम शेयर वेयर नहीं किए हैं, बीच बीच में आप लोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर मत लगाइएगा शेयर करने में, शुरुआत करते हैं। प्रीपोजिशन है, लेकिन आज क्वेश्चन तैयार करके पीपीटी नहीं लाए हैं, आज क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के काम चलेगा, ठीक है, आज के लिए सिर्फ। बाकी कल से फिर पीपीटी रहेगा, ठीक है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग मैंने कह दिया, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो अच्छा बात है, नहीं बनाइएगा तो और अच्छा बात है, ठीक है। द ट्रेन डॉट 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 द ट्रेन इज स्टैंडिंग डॉट 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 द प्लेटफॉर्म, ठीक है। आंसर आना चाहिए भाई, आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ। तो अभी तो यही चल रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि हम पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे क्वेश्चन का दे दें, आप लोग बना के आ जाइए, एक दिन में 100-200 क्वेश्चन उड़ा दे दम तेजी से। आप लोग सहमत हैं तो बोलिएगा, ठीक है, कि हम पीडीएफ बना के क्वेश्चन का दे देते हैं टेलीग्राम पर, और जितना भी बन सकता है मेरे से, और उसके बाद हम क्लास में यहाँ पर आकर के सीधा आंसर मिलवा दें, एक्सप्लेन कर दें फास्ट फास्ट तरीके से, ठीक है।
ठीक है, देखिए, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग डॉट 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 द प्लेटफॉर्म, आई वॉज स्टैंडिंग डॉट 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 द प्लेटफॉर्म व्हेन ए बॉम्ब एक्सप्लोडेड। अब बताइए किसमें क्या होगा, ठीक है, आप बताएंगे। फर्स्ट में सब लोग एट बोल रहे हैं, अनामिका ऑन बोल रही है, ऑन नहीं होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास खड़ा होता है और पैसेंजर प्लेटफॉर्म के फर्श पे खड़ा होता है, ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम लोग इसको कर चुके हैं, प्रैक्टिस में भी आ चुका है, प्रैक्टिस में भी आ चुका है, ठीक है। सही है जी, सही है जी। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, उतना सेंटेंस लिखने में टाइम लगेगा। बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा सेंटेंस है, इसको मन में उतार लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। हार्डवर्क इज द ओनली की डॉट 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 सक्सेस, ठीक है। आपको बताना है कि क्या होगा, हार्डवर्क इज द ओनली डॉट 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 टू सक्सेस, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। हम लगातार लिखते जाते हैं, लास्ट में हम सबका चर्चा करेंगे। आप पहले तब तक बना लीजिए और बनाते जाइए कमेंट में, देखते हैं किसमें कितना है दम, आज देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, हाँ, ही वॉज एडिक्टेड डॉट 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 ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड डॉट 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 मिस्टेक्स इफ वी वॉन्ट टू गेट सक्सेस, ओके। वाह वाह, लोग आते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आते जाइए फटाफट फटाफट आते जाइए, आप ही लोग का कमी है। डेथ इज प्रेफरेबल डॉट 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 डिसग्रेस, डिसग्रेस, ठीक है। मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, सब मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। वाह जबरदस्त, सब लोग जवाब भी देते जा रहे हैं, सब लोग जवाब भी देते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, ठीक है। आई हैव नो लाइकिंग डॉट 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 हर, ठीक है। मजेदार है, एकदम मजेदार है, मजेदार है, ठीक है। सबका जवाब आ रहा है, एकदम दौड़ रहा है कमेंट, दौड़ रहा है, एकदम तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है, कमेंट तेजी से दौड़ रहा है। चलते है, देखते हैं किसमें कितना है दम, आज देखेंगे हम। आज मजेदार मजेदार क्वेश्चन मिलने वाला है, शी इज वर्दी डॉट 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 ऑल प्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ, ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज फादर्स, एक गड़बड़ हम कर दिए थे, पता नहीं सब देखे कि नहीं देखे, सब लोग देखे कि नहीं देखे हमको नहीं पता, लेकिन एक गड़बड़ हम कर दिए थे, देख लिया होगा तो आंसर बता देगा मेरे उस गड़बड़ से फटाक से। यू आर एट द बोर्ड, यस आई एम एट द बोर्ड, ऑफ कोर्स आई एम एट द बोर्ड, ठीक है। हम लोग 15 तक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसको, तब तक आप आंसर देते रहिए, देखते हैं किसमें कितना है दम, ठीक है। cannot part his money
ठीक है। और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे, हो, क्वेश्चन लिखने समय थोड़ा आई कांटेक्ट आप लोगों से जाता है, पल्लवी का नाम सुना आप लोगों ने? पल्लवी, जी हाँ वही पल्लवी, एक्सेल्स डॉट 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 सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। दिस चाइल्ड इज एंडोड डॉट 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स, ठीक है। तीन क्वेश्चन और उसके बाद फिर, हाँ जी देखते हैं। वाह 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 वाह, नाइन का ऑफ बता रहे हैं। अच्छा जी, यू शुड नॉट बी वन, शुड नॉट बी ग्रीडी डॉट 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 मनी, 14th। शी इज सस्पिशियस डॉट 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 हर हस्बैंड, एंड 15th नंबर, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है सबका। थोड़ा सा इसको खाना खिला दें क्योंकि काम अच्छा से नहीं कर रहा है, देख रहे हल्का चल रहा है, थोड़ा खाना खा लेगा तो अच्छा चलेगा। चलिए ब्लू वाले को भी थोड़ा खाना खिला दे, ब्लू वाले को कम खिलाना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा होता है, इसलिए स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म होगा, क्लियर है। और पैसेंजर प्लेटफॉर्म के ऊपर उस सतह पर खड़ा होता है, इसलिए स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म होगा, क्लियर है। तीसरा नंबर में आ जाइए, हार्डवर्क इज द ओनली की, देखिए की किसी ताले का चाबी होगा तो की ऑफ ए लॉक होगा, लेकिन सफलता की चाबी, सफलता की कुंजी की बात करेंगे तो की टू सक्सेस होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, फोर्थ नंबर, ही वॉज एडिक्टेड, हम बोल रहे हैं एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगेगा, यहाँ बिफोर भी हो सकता है या कभी कभी नाउन भी हो सकता है। तो एडिक्टेड टू समथिंग का मतलब होता है उस चीज़ का लत लग चुका है, लत लग गई मुझे, तेरी लत लग गई, लत ये गलत लग गई, आपने गाना सुना है ना, तो आई एम एडिक्टेड टू यू, आई एम एडिक्टेड टू यू मतलब जब तक तुमसे ना मिलूँ, तुमसे बातें ना करूँ, तुमको देखूँ नहीं, तब तक चैन नहीं मिलता है। तो एडिक्टेड, कैसे ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं लोग, तो उनको क्या होता है, ड्रग्स का लत लग जाता है, और ड्रग्स ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। तो कोई लोग एडिक्टेड हो गए हैं, तो जिस चीज के एडिक्टेड हुए हैं वो चीज, और बीच में प्रीपोजिशन टू, वो चीज कोई चीज भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है। कुछ बच्चे वीडियो गेम खेलने के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो सम चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू प्लेइंग द वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स और पबजी, है ना, तो एडिक्टेड टू।
वी शुड नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड अफ्रेड के साथ हमेशा अफ्रेड ऑफ समथिंग या अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, तो अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स याद रखिएगा, अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, उसको अपने पापा से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, मैं गलत डिसीजन लेने से डरता हूँ. आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क एंड डॉग्स, अंधेरा और कुत्तों से डर लगता है. तो ठीक है, ताहती है लेकिन इज आर एम क्योंकि अफ्रेड एडजेक्टिव है. क्लियर है? ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बियर, सही है. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सही है जी. बहुत अच्छे, सब लोग 15 तक जवाब दे चुके हैं, बने रहिएगा. अब देखिए, अफ्रेड ऑफ है ना, फिर बात है प्रेफरेबल. तो प्रेफर और प्रेफरेबल दो शब्द ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी आप प्रीपोजिशन कोई लगाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ टू होगा, इसके अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा. प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ सिर्फ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और किसी का नहीं. आई हैव नो लाइकिंग, हैव ए लाइकिंग फॉर, आई हैव नो लाइकिंग फॉर समबडी और समथिंग, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना. आई हैव नो लाइकिंग फॉर हर मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ. आई हैव लाइकिंग फॉर हर मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ. ठीक है, शी इज वर्दी, वर्दी ऑफ, वर्दी मतलब डिजर्विंग, वर्दी मतलब डिजर्विंग. यदि हम बोलते हैं यू आर वर्दी ऑफ ऑल प्रेजेस, मतलब तुम प्रशंसा के काबिल हो, यू डिजर्व द प्रेजेस. क्लियर है? यू डिजर्व दिस पोस्ट, यू आर वर्दी ऑफ दिस पोस्ट. ठीक है, तो वर्दी होने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के लायक हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप में एलिजिबिलिटी है कि वो चीज़ आपको मिलना चाहिए, आप में योग्यता है, क्षमता है कि आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए. ठीक है, वर्दी ऑफ. ही इज इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट हमेशा ऑफ लेता है प्रीपोजिशन. इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अनभिज्ञ, जैसे बोलते हैं ना आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, मैं तथ्य से सच्चाई से अनभिज्ञ था. अनभिज्ञ था मतलब मुझे नहीं मालूम था. ठीक है, ऐसे हम लिखते ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज फादर्स डीड. ठीक है, तो हिज फादर, इसको हम लोग बराबर देखें ऐसे लिख सकते हैं टू प्रीपोजिशन यूज करते हुए. देखिएगा, हिज फादर्स, हिज फादर्स डीड्स आर नॉट नोन टू हिम, हिज फादर्स डीड्स आर नॉट नोन टू हिम, हिज फादर्स डीड्स आर नॉट नोन, नोन है तो देखिए नॉट नोन इग्नोरेंट के बराबर लेकिन नोन के कारण टू. ठीक है, और सेंटेंस उल्टा चला, इधर से चला, नोट से बनाए तो दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है. मीन्स उसको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है. यदि हम कहते हैं आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ दीज थिंग्स, मतलब आई डिड नॉट नो दीज थिंग्स, दीज थिंग्स आर नॉट नोन टू मी. क्लियर है बात? मुझे ये सब चीज़ें मालूम नहीं है. अब यही यही बात को यदि हम लोग एक्टिव वॉइस में लिख दें, ये जो है पैसिव वॉइस है लिखा हुआ, और इसको अगर हम एक्टिव वॉइस में लिख दें तो बन जाएगा ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो हिज फादर्स डीड्स, हिज फादर्स अपने पिता के कर्मों को वो नहीं जानता है कि उसके पिता ने क्या क्या किया. अब ये डीड जैसे, नो जैसे ही हमने पैसिव एक्टिव वॉइस में रखा, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आया. ये सब सिचुएशन, छोटा छोटा फर्क है. देखिए नॉट नोन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इज आर एम वाजवेयर है और ये वी थ्री है, मतलब ये कौन सा वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है. तो नो जब पैसिव वॉइस में होता है तो टू प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन वही नो एक्टिव वॉइस में आ जाता है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, और सेंटेंस का अर्थ तीनों का एक ही निकलेगा. 9 नंबर का दो रिप्लेसमेंट ने दिया. ठीक है, देखिए बच्चों, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा नाउन के रूप में, और पार्ट वर्ब के रूप में होता है जुदा होना, किसी से किसी को अलविदा कहना. ठीक है, जैसे होता है ना, तो जुदा होते हम लोग या तो किसी आदमी से या अपने किसी प्यारे वस्तु से. ठीक है, तो जब किसी प्यारे वस्तु से जुदा हो रहे हैं तो पार्ट के साथ, जैसे हिज मनी क्या है, मनी एक वस्तु है, तो किसी वस्तु से जुदा हो रहे हैं तो विथ लगाएंगे. ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, वह अपने पैसों से जुदा नहीं हो सकता है, मतलब पैसों से अलग होकर नहीं रह सकता है. और हम बोल सकते हैं ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज फ्रेंड्स. तो पार्ट फ्रॉम समबडी, पार्ट विथ समथिंग, पार्ट विथ समथिंग मतलब उस चीज़ को त्याग नहीं सकता है. अपार्ट फ्रॉम समबडी मतलब उस आदमी से वो अलग नहीं हो सकता है, उससे जुदा नहीं हो सकता है, उससे अलग रह नहीं सकता है. ठीक है, फ्यू ईयर्स अगो आई वॉज इग्नोरेंट, इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स. ओके, इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट लिखा गया है गलती से. ठीक है, चलो. पल्लवी एक्सेल्स, आप एक्सेल करते हैं कोई काम में, ठीक है, बिफोर, या कभी कभी आप नाउन भी दे सकते हैं.
ठीक है। ही एक्सेल्स इन इंग्लिश, ही एक्सेल्स इन इंग्लिश मतलब एक्सेल करने का मतलब होता है सबको पछाड़ के आगे निकल जाना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना। तो हम बोलते ही एक्सेल्स इन इंग्लिश, इसका मतलब है कि वह अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर हम बोलते ही एक्सेल्स इन सिंगिंग, इसका मतलब वह बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है गाने में, इतना अच्छा गाता है। तो इन प्रीपोजिशन, ठीक है। दिस चाइल्ड इज एंडोर्ड, अब याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एंडो मतलब होता है प्रदान करना, किसी को प्राकृतिक रूप से कोई क्षमता, कोई क्वालिटी, कोई योग्यता मिलती है तो उसके लिए एंडो वर्ब का यूज़ करते हैं। और एंडो का यूज़ ऐसे करते हैं, एंडो और उसके बाद जिस व्यक्ति को मिला, समबडी, और उसके बाद जो चीज़ मिला, समथिंग, और विथ बीच में प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाएगा। एंडो समबडी विथ समथिंग, मतलब समबडी को समथिंग प्रदान करना, क्लियर है। अभी समबडी एंडो क्या है, वर्ब है, समबडी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो समबडी ही सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए दिस चाइल्ड सब्जेक्ट बन गया, और एंडो का वी थ्री हो जाएगा, तो देखिए वी थ्री है, बी का रूप आ जाएगा तो बी का रूप है, और फिर समथिंग रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट समथिंग है, तो बीच में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, विथ आएगा, ठीक है। एंडो समबडी विथ समथिंग, ये ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इसका यूज सामान्यतः पैसिव वॉइस में ही होता है। जैसे देखिए दिस चाइल्ड इज एंडोर्ड विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स, इस बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भगवान ने गिफ्ट में दिया है। एंडोर्ड विथ है मतलब प्राकृतिक रूप से उसमें वो चीज मिला है उसको, ठीक है। जरा देखें एक बार कमेंट्स, बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं। राजीव रंजन कश्यप, प्लीज सर ब्राइटनेस इंक्रीज करिए थोड़ा, इज एवरीबडी स्लीपिंग, no one is making sentences, very good, everybody should make sentences, I really like making sentences, is a very tough task, people don't want to get into that, log usme nahi padhna chahte hai, theek hai, theek hai, haan ji, ठीक है जी, देखिएगा, चलिए एक्टिव तो सबको रहना ही चाहिए। ये डॉक्टर की किस्मत होती है कि कुछ मतलब डॉक्टर के पास यदि सारा पेशेंट ऐसा पहुंच जाए कि डॉक्टर मना करे कि देखो इलाज में आपको आम का अचार नहीं खाना, तब दवाई असर करेगा, और सारा पेशेंट बोले कि हाँ सर नहीं खाएंगे, घर जाके खाने लगे तो क्या होगा, तो ये तो थोड़ा किस्मत की बात होती है ना। तो चलिए आ जाइए वापस, पल्लवी एक्सेल्स इन सिंगिंग, दिस चाइल्ड इज एंडोर्ड विथ, हमने बता दिया। 13th में आइए, क्या होगा, वन शुड नॉट बी ग्रीडी, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, पैसों का लालची नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑफ लगा सकते हैं ग्रीडी ऑफ मनी, यहाँ फॉर लगा सकते हैं ग्रीडी फॉर मनी, पैसों के पीछे लालची नहीं होना चाहिए ग्रीडी आफ्टर मनी, तो वन शुड नॉट बी ग्रीडी ऑफ मनी, ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी आफ्टर मनी, क्लियर है बच्चों। तो शी इज सस्पिशियस, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, आप तीनों में से कोई भी लगा दें, एक ही बात है, ग्रीडी ऑफ समथिंग, ग्रीडी फॉर समथिंग, ग्रीडी आफ्टर समथिंग, कोई चीज़ के प्रति लालची होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, सी सस्पिशियस डॉट 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 हर हस्बैंड, सस्पिशियस ऑफ समथिंग और समबडी, सस्पिशियस ऑफ समबडी मतलब उस पर डाउट है, इसको बराबर देके हम लिख सकते हैं, सी डाउट्स हर हस्बैंड, शी डाउट्स हर हस्बैंड, उसे अपने हस्बैंड पर शक है, ठीक है। अब डाउट वर्ब के रूप में है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हम ठीक हैं, आप लोग ठीक रहें और फटाफट सेंटेंसेस बनाएं, ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ही वॉज डिसक्वालिफाइड, यू क्वालिफाई फॉर ए पोस्ट, यू डिसक्वालिफाई फॉर ए पोस्ट, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर ए पोस्ट और डिसक्वालिफाइड फॉर ए पोस्ट। पता नहीं कितने बच्चों ने इसको क्लियर किया, समझा, तो क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर बच्चे कम आज वो नहीं कर रहे हैं, फैमिली लव, वन शुड बी ग्रीडी फॉर फैमिली लव, यप करेक्ट, लालची होना चाहिए प्यार का, परिवार के प्यार का, ठीक है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, ग्रामर वाइज बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस आप कभी देखते हैं ऐसा, वही बोलते हैं ना कि नेचुरल बातें होनी चाहिए,
ठीक है, बहुत नेचुरल बातें जितनी बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी उतनी अच्छी लगेगी। बोलिए नेचुरल बातें कैसे पता चलेंगी सर? अंग्रेजी पढ़िए तो पता चलेगा कि कौन बात कैसे बोला जाता है नेचुरल नेचुरली। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं, लिखा ही गया होगा सबका। ये 15 का 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था अपने आप में। ठीक है, क्लियर है सर? तो सेंटेंसेस नहीं आ रहे सर आप लोगों के, ठीक है, और हम चाहते हैं कि सेंटेंसेस आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सिर्फ क्लियर बोलने से होगा नहीं, भूल जाइएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा तो कुछ याद रहेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए, देखिए देखिए कोशिश करके शायद कुछ बन जाए। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करके देखिए। देखिए सेंटेंसेस आ रहे हैं फिर से। ठीक है, 60, हाँ अभी भी डैम्प है थोड़ा। सिक्सटींथ नंबर सेंटेंस, ठीक है, हम बोलते हैं हिज ब्रदर इज डॉट डॉट डेंजर। ठीक है, और बोलते हैं हिज ब्रदर इज फ्री डॉट डॉट डेंजर। चलिए दो दो क्वेश्चन डिस्कस करते चलते हैं और बनाते चलते हैं। ठीक है, बताइए 16th में क्या होगा, 17th में क्या होगा, आप लोग बोलें फटाफट 16th और 17th में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल जवाब आना शुरू हो गया है। आप यहाँ इन भी लगा सकते हैं, आउट ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, हर ब्रदर इज हिज ब्रदर इज इन डेंजर, मतलब अभी उस पर खतरा मंडरा रहा है। आउट ऑफ डेंजर मतलब खतरे से बाहर है, सुरक्षित है। ठीक है, इन डेंजर मतलब अभी भी रिस्क पर है। ठीक है, और फ्री है तो फ्रॉम डेंजर होगा। ठीक है ना, इज। अच्छा एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, देखिए हिज brother put his life dot 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 risk, his brother put his life dot 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 risk, बताइए। ठीक है, बोलिए सर डिस्क रिस्क और डेंजर तो एक ही है तो एक ही, लेकिन प्रीपोजिशन अलग हो जाएगा, प्रीपोजिशन बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या अलग होगा, his brother put his life at risk। ठीक है, at risk, क्लियर है बच्चों? चलिए और देखते हैं।
पुट समथिंग एट रिस्क, किसी चीज को खतरे पर लगा देना, दांव पर लगा देना, ठीक है। हिज ब्रदर पुट हिज लाइफ एट रिस्क, उसके भाई ने अपनी जान दांव पर लगा दी, ठीक है। पुट समथिंग एट रिस्क, ठीक है। चलिए देखिए, ही हैज अफेक्शन, ठीक है, डॉट 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 ऑल, और ही इज अफेक्शनेट डॉट 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 ऑल, दो हमने लिखा, ही हैज अफेक्शन डॉट 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 ऑल, ही इज अफेक्शनेट डॉट 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 ऑल। आपको बताना है अफेक्शन और अफेक्शनेट कौन कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपको टाइम दे दिया मैंने, हम बता दें, हैव अफेक्शन फॉर समबडी, किसी के लिए स्नेह होना, एंड बी अफेक्शनेट टू समबडी, इसका भी अर्थ एक ही होता है, ये दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन अफेक्शन नाउन है, यहाँ पर फॉर लगा दिया, अफेक्शनेट एडजेक्टिव है तो टू लगा दिए। अब ये मत अर्थ निकाल लीजिएगा कि सभी नाउन के साथ फॉर लग जाएगा, सभी एडजेक्टिव के साथ टू लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, अफेक्शन फॉर समबडी, अफेक्शनेट टू समबडी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात को समझें, छोटा छोटा सा डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा इस सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, सारा चैप्टर जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसी वजह से दे रहे हैं कि आप कंफ्यूजन वाला सेक्शन से उबर के आ जाएं बाहर, ठीक है। चलिएगा एक और देते इसी तरह का कंफ्यूजन वाला, COVID-19 के बारे में क्या बोल रहे हैं, भैंसा सुर में बहुत डेंजर है COVID-19। अच्छा जी, पंकज कुमार बोल रहे हैं, अच्छा जी, आई एम फ्रॉम भैंसा सुर, ओ पंकज कुमार, थैंक यू फॉर गिविंग अस द रिपोर्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ख्याल रखिए पूरी तरह से, मत निकलिए घर से बाहर, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कीजिए, जिंदा रहे हम लोग, सही सलामत हम सब लोग रह गए तो फिर ज़िंदगी के ऐस मज़े अगले साल कर लेंगे, 2020 ऐस मौज के लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, बस जान जहान जिंदा रह जाए, सुरक्षित रह जाए सभी लोग, यही कामना है और यही प्रयास भी होना चाहिए हर एक इंसान का, ठीक है। माई ब्रदर इज अफेक्शनेट टू माई फैमिली, ऑफकोर्स यस, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और, ठीक है, आई हैव नो डिज़ायर डॉट 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 फेम, ठीक है, आई एम नॉट डिजायरस डॉट 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 फेम। चलिए दो हमने दिया फिर से 21-22 में, दम लगा के देखिए कि क्या होगा, मिलता जुलता हमेशा दे रहे हैं, डिजायर नाउन फॉर्म है, ठीक है, और एक और दे देते हैं, एक और देते हैं, इसी में बहुत मजा आ जाएगा, I don't desire dot 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 fame, ठीक है। देखिए बताइए, तीन हमने दिया है, तीन हमने दिया है, कितना आप इसका ले पाते हैं फायदा, ठीक है। चलिए हमने समय दे दिया, देखिए यदि हम बोलते हैं हैव नो डिज़ायर, तो हैव डिज़ायर और हैव नो डिज़ायर फॉर समथिंग, उस चीज़ का इच्छा नहीं है, आई एम नॉट डिज़ायरस ऑफ फेम, आई हैव नो डिज़ायर, आई डोंट डिज़ायर, कोई प्रीपोजिशन नहीं भराएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये नहीं है कि सभी नाउन के साथ फॉर लगा दीजिएगा, सभी एडजेक्टिव के साथ ऑफ लगा दीजिएगा, सभी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, बस डिज़ायर के मामले में हमने ये तीन बातें बताई कि डिज़ायर नाउन के रूप में रहे तो फॉर, वर्ब के रूप में रहे तो नो प्रीपोजिशन, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म लेंगे डिज़ायरस तब ऑफ होगा। अब आप लोग बताते जाइए कि है कि नहीं मज़ेदार वाला क्वेश्चन, सारा का सारा जो आपको कन्फ्यूज करे, ऐसा क्वेश्चन हम लाए हैं चुन चुन के, और आप लेते हैं कि नहीं, ठीक है, इसका फायदा ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ही हैज ग्रेट फॉन्डनेस डॉट 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 हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और ही इज ग्रेटली fond
डॉट 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 हिज फ्रेंड्स, फिर हमने दो क्वेश्चन दे दिया मिलता जुलता, आप संभाल लें, ठीक है, आप संभाल लें मेरे प्यारे बच्चों, कितना संभाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दे दिए टाइम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए पंकज कुमार जी, क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए। ही हैज़ ग्रेट फॉन्डनेस, हैव फॉन्डनेस फॉर समबडी और समथिंग, और फॉन्ड ऑफ समबडी और समथिंग। यदि ये बोलते हैं ही हैज़ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ फॉन्डनेस की जगह लाइकिंग बोल सकते हैं। ही हैज़ ग्रेट लाइकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और बोलते हैं ही इज़ ग्रेटली फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसका भी यही अर्थ है कि वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। देखिए बच्चों, फॉन्ड ऑफ पढ़ते समय हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं कोई चीज़ का शौकीन होना, बिल्कुल सही है। जैसे सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ न्यू ड्रेसेस, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ न्यू शूज़, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइसिकल बाइक, तो फॉन्ड ऑफ ऐसे हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ का शौक है उसको। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ लीजिए तो कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा, नहीं तो इस तरह के सेंटेंसेज में आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ बकवास बात, कि वह अपने दोस्तों का शौकीन है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोग जब फॉन्ड ऑफ कोई चीज़ के हैं तो उसके शौकीन हैं, उसका उपयोग करना अच्छा लगता है, और फॉन्ड ऑफ समबडी के हैं तो समबडी का कंपनी अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो ऐसे समझिएगा कि फॉन्ड ऑफ समथिंग मतलब उस चीज़ का उपयोग करना अच्छा लगता है, फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग मतलब वो काम करना अच्छा लगता है, और फॉन्ड ऑफ समबडी तो आदमी अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना, मिलना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से तीन सिचुएशन हम लोग यहां पर फॉन्ड ऑफ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, वेरी गुड सुजीत राज, यू आर फॉन्ड ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ओके। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए फटाफट, हटाते हैं इसको। हटा रहे हैं इसको, क्या हम सही नब्ज पर हाथ रखे हैं प्रीपोजिशन में, कि हम वो सब चीजें अभी तक प्रीपोजिशन में आप लोगों को बता पा रहे हैं कि जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कमेंट में लिखिए कि क्या आपके लिए सही में कंफ्यूजिंग चीजें हम क्लियर कर पा रहे हैं लेट अस लर्न टुगेदर के इस सेशन में। ये फीडबैक दीजिए, क्या आप में से अधिकांश को इन सब पॉइंट्स में कंफ्यूजन रहता है जो पॉइंट्स हम डील कर रहे हैं। बारीकियों में हम जा रहे हैं जहां से कंफ्यूजन खत्म हो सके आपका, ये सब चीजें मुझे जाननी है, और ये आप अपने फीडबैक से मुझे बता सकते हैं, फीडबैक बनता है, ठीक है। चलिए जरा देखे कोई कमेंट वगैरह आया है कि नहीं। यस सर, मुस्कान बोल रही हैं। हाँ, आप लोग फीडबैक देने में थोड़ा सा और उदार बनिए, इतना कंजूस मत बनिए फीडबैक देने में, डिटेल्ड फीडबैक दीजिए जिससे हमको पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो कितना उपयोगी हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी मेरे हाथ में, अगला 26th और 27th, ठीक है, हम लिख रहे हैं जो 26th और 27th को देखिएगा। ए वाइज मैन इज ऑलवेज टॉलरेंट डॉट डॉट क्रिटिसिज्म, ठीक है। ए वाइज मैन टॉलरेट्स क्रिटिसिज्म, दो चीजें हमने दी, हमने क्या दिया, टॉलरेंट, टॉलरेट। 28वां में देखिएगा जो हम देने जा रहे हैं, 26, 27, 28 देखिएगा जो हम देने जा रहे हैं, ठीक है।
ए वाइज मैन हैज ए ग्रेट टॉलरेंस डॉट डॉट क्रिटिसिज्म। चलिए हमको लग रहा था ऐसे होना चाहिए ना क्रिटिसिज्म में। बताइए प्यारे बच्चों, तीन सेंटेंस हमने दिया, तीनों में एक ही वर्ड के तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने यूज किया है। अब आप हमें बताइए कि कहाँ क्या होगा ताकि हम समझ सकें कि आप में कितना है दम। ठीक है, तो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सब लोगों का। देखिए 26 में बी टॉलरेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के प्रति सहिष्णु होना। बी का मतलब इज आर एम वॉज वेयर कुछ भी यूज होगा। बी टॉलरेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के प्रति सहिष्णु होना, और टॉलरेट समथिंग कोई प्रीपोजिशन नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और हैव ए टॉलरेंस फॉर समथिंग, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, तो हैव टॉलरेंस फॉर समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए टॉलरेट वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, अलग अलग प्रीपोजिशन लेके चला तीनों फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों जी, संभालिए संभालिए, क्वेश्चंस है लेकिन क्या करें, इतनी व्यस्तता आज हो गई कि बना नहीं पाए। ठीक है, जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार मजेदार हम देने वाले हैं, बहुत मजेदार मजेदार आएगा। ठीक है, आ ही जाएगा मजेदार, सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है लाइव में, स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कुछ कौन सा एक वर्ड अभी आया था मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सा, टॉलरेंट हमने बता दिया, देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, दो मेरे दिमाग में, मेनी ग्रेट पीपल लेड एम्फेसिस डॉट 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 द प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर, द प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर। गौर से समझिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, मेनी ग्रेट पीपल emphasized, emphasized the purity of character. ठीक है बच्चों, अब देखिए एक ही शब्द का दो फॉर्म दिया गया है, emphasis noun और emphasized verb. emphasis जब noun होता है तो इसके लिए ले verb चलता है, ले लेड लेड। ठीक है, भीवन भी टू भी थ्री। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और बता देते हैं, लाई झूठ बोलना के अर्थ में। ठीक है, तो भी टू लाइड, भी थ्री भी लाइड, और लाई लेटना के अर्थ में, लेटे रहना या लेटना के अर्थ में, तो लाई ले लेन होता है। ठीक है, और ले का मतलब रख देना किसी जगह पर, किसी सरफेस पे रख देना। ठीक है, तो ये तीन वर्ड है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमने प्रीपोजिशन से अलावा बता दिया, वर्ब फॉर्म्स का ये कन्फ्यूजन पे कॉमन एरर्स पूछा जाता है, तो आप इसको समझिएगा। और कहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो लाई लेटना के अर्थ में जो सेकेंड फॉर्म है और रखना के अर्थ में जो फर्स्ट फॉर्म है, दोनों सेम होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है,
जरा सा इसको संभालिएगा आप लोग, आगे मिलेगा जब भाव फॉर्म्स पढ़ाएंगे तो, ठीक है। बच्चों काफ़ी समय हमने दिया आपको, चलिए अब आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए, ले इम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर जोर डालना, ठीक है, उसको हाईलाइट करके इम्पॉर्टेंट बताना, और उसी अर्थ में इम्फेसाइज जब वर्ब के रूप में बोलेंगे तो नो प्रीपोजिशन, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है, लेकिन उसके पहले आगे पढ़ाएं, इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम बताना चाहते हैं आप सभी लोगों को। आप में से कुछ लोग जान गए होंगे, सुबह से लाइव क्लासेस में मैंने बताया है, और जो लोग अभी हैं पहली बार हैं दिन भर में अभी मेरे साथ लाइव में, उन लोगों के लिए बता दूँ, पिछले 3-4 दिनों से सारे क्लासेस मेरे लाइव के बंद थे, इवन की पेड कोर्सेज में भी क्लासेस थोड़े डिस्टर्ब होके चले हैं, बंद हुए हैं क्लासेस या कम देर पढ़ाई हुई है सारे पेड कोर्सेज के बैच में, ठीक है। लाइव के लाइव रेगुलर नहीं चला है, लाइव पेड कोर्सेज में भी। इसके पीछे कारण क्या था जान लीजिए और आपको खुशी होगी। अनअकैडमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनअकैडमी पर मैं पिछले 2 सालों से एक एक्टिव एजुकेटर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज उस पर दिए हैं, लेकिन अनअकैडमी का फॉर्मेट अब बदल गया है, अब लाइव क्लासेस उस पर कंडक्ट किए जाते हैं, और लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाने के लिए मेरा भी सिलेक्शन किया गया है, ठीक है, कि मैं उस पर लाइव क्लासेस करवाऊंगा। और 2-3 दिनों से सारी टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, आज फाइनल टेस्टिंग था लैपटॉप इंटरनेट कैमरा और साउंड सिस्टम का, ताकि सारा चीज़ सही कन्फिगर्ड है कि नहीं क्लास लेने के लिए वहाँ पर। तो कल से मुझे वहाँ पे अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेना है। आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है कि आप लोग आइए और वहाँ मेरे साथ दीजिए। 7 PM कल क्लास है और इंग्लिश ही हम पढ़ाएंगे लाइव में, इंटरैक्टिव रियल टाइम लाइव इंग्लिश, इंटरैक्टिव रियल टाइम लाइव है, ठीक है। 1 घंटे का क्लास चलेगा 7 to 8 PM, ठीक है, बहुत मस्त क्लास होने वाला है। हम लोग फोकस करेंगे उस क्लास में क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन और पाराजंबल, ये 3 चीज़ों पर। बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ YouTube पर कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें हम लोग वहाँ करेंगे। और हम लोग शुरुआत करेंगे विद स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए, क्या पैटर्न होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है। अलग अलग एग्जाम्स इतने सारे कंडक्ट किए जाते हैं, SSC के द्वारा इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, बैंक SBI IBPS के द्वारा इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। उन सभी एग्जाम्स में अलग अलग इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कल के अनअकैडमी के लाइव सेशन में 7 से 8 बजे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सारे के सारे लोग वहां प्रेजेंट हों हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी लेके आए जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। ये लिंक शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम पर, फिर से एक बार शेयर कर देंगे। शेड्यूल उसमें 24 घंटा पहले होता है, तो मैंने शेड्यूल किया है पहले से, ठीक है। तो कल 7 बजे का शेड्यूल किया गया है, उन्हीं अनअकैडमी मैनेजमेंट के द्वारा ये टाइम डिसाइड किया गया है, तो आप इसमें आइए। और ये हमारा मेन थीम चलेगा उस कोर्स में, लेकिन कल हम लोग स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करने वाले हैं। सर, इन विच सेक्शन योर क्लास विल बी कंडक्टेड? इन SSC सेक्शन। हाँ, अब कल का क्लास SSC सेक्शन में है, कल का क्लास SSC एग्जाम सेक्शन में है, ठीक है, कल का क्लास SSC एग्जाम सेक्शन में है। आगे दूसरे सेक्शंस में भी हमारे क्लासेस लगने वाले हैं, UPSC के सेक्शन में भी लगने वाला है, बैंक के सेक्शन में भी लगने वाला है, करीब करीब सब सेक्शन में मेरा क्लास जाएगा, अनअकैडमी ने खुद ग्रांट किया है। अभी कल का क्लास SSC सेक्शन में है, लेकिन हम लोग सिर्फ SSC की बात नहीं कर रहे हैं, कल के एग्जाम में इंग्लिश के पैटर्न, स्ट्रैटेजी, स्टैंडर्ड, कौन कौन एग्जाम के लिए हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो हम लोग टारगेट करने वाले SSC के अंदर होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, SBI के अंदर होने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए, IBPS के अंदर होने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए, NDA और CDS के लिए। तो कृपया इस वर्ड को फैला दें, जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं, आप लोगों का कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड है।
और वहां पर हम लोग इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे, और ये तीन चीजों के जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वहां पर आप लोगों को सॉल्व करवाने के लिए, सिखाने के लिए, वो होंगे द हिंदू के एडिटोरियल से, द हिंदू के एडिटोरियल से। पुराने एडिटोरियल से हम पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, हम करेंट के एडिटोरियल से पढ़ाना पसंद करते हैं, और द हिंदू के करेंट एडिटोरियल से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वहां पे। तो सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ लाइव सेशन में हैं, उन सभी से एक्सपेक्टेड है कि वो अन अकेडमी पर हमारे साथ आए, ठीक है। बहुत जल्दी वेदांतु भी हमारा क्लास लेने वाला है, लेकिन अभी श्योर नहीं कर सकते हैं, अन अकेडमी ने अभी स्टार्ट करवा दिया है। टाइम अवेलेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी इस पर डिपेंड करता है। अभी से ही करीब करीब बहुत घंटा हो गया है, 3 घंटा तो अकेले यूट्यूब पर है, फिर पेड कोर्सेज के क्लासेज हैं, अन अकेडमी का क्लास है, ठीक है। तो मिनिमम 10 क्लास लेने के लिए मुझे कहा गया है, फिर आगे भी देखते हैं, हमारे पास टाइम रहेगा तो 10 क्लास से ज़्यादा हर महीने, इन्हीं के 10 के बाद ओवर हो जाएगा ना, महीना में 10 क्लास कम से कम बोला गया है, लेकिन आप लोगों का जोश और सहयोग रहा तो हम 10 से ज़्यादा क्लास लेंगे। और ये सारे कोर्सेज जो हम अनअकैडमी पे लाइव में दे रहे हैं, ये स्पेशल क्लास है अनअकैडमी का प्लस कोर्स का, लेकिन आप लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए प्लस कोर्स का ये स्पेशल क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास है, ठीक है। लेकिन अभी सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखवाया गया है, किसी को भी एक पैसा नहीं लगने वाला है, इसलिए डोंट बदर अबाउट द फी एंड चार्जेस एंड एवरीथिंग। और आपको यदि कोई कोर्स परचेज भी करना होगा तो प्लीज टॉक टू मी, आई विल मेक यू गेट सम डिस्काउंट ओवर देयर, ओके, ठीक है। तो रेफरल कोड देंगे जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि कोई कोर्स परचेज करना हो तो। बहरहाल ये कोर्सेज परचेज करने के लिए नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे इसको स्प्रेड कर दें अपने जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ सिंसियर बच्चे पढ़ रहे हैं। और हम लोग, हमने बता दिया कि क्या है कैसे है, अब कोई सवाल है इसके बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर 7 बजे शाम में 7 से 8 60 मिनट्स का सेशन चलेगा, उसका वो रूल है, आप 60 मिनट से कम भी नहीं ले सकते, ज़्यादा भी नहीं ले सकते, ठीक है। आई होप कि आप लोग वहां पर भी रहेंगे एक्टिव हमारे साथ पूरी तरह से। मेरा मन था कि हम अकेडमी का टी शर्ट पहन के अभी आए लाइव में, लेकिन फिर जाने दिया कि ब्लैक और गर्मी बहुत कम है ना, इतना ठंड में ब्लैक कैसे आदमी पहनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइव के समय, अकेडमी पर लाइव के समय अकेडमी का टी शर्ट ही पहनना होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पे अलविदा कहा जाए, बाकी चीज़ें अब हम लोग, यस थैंक यू शलू, मुस्कान थैंक यू, सुजीत राज यस बीबी थैंक यू। वो बहुत एक सिंसियर कोर्स होने जा रहा है सेक्शन वाइज, इस तीनों को कमांड कराने के बाद हम लोग उतरेंगे वोकैबलरी में और लेके चलेंगे रूट वर्ड्स ऑफ वोकैबलरी, ठीक है। रूट वर्ड से हम लोग देखेंगे कि एक वर्ड पढ़ने के बाद कैसे बहुत सारा वर्ड उससे रिलेटेड हम लोग ईजी वे में समझ सकते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम कैसे एक छोटा सा वर्ड सीखेंगे उससे रिलेटेड आसपास का, उसके खानदान का, जिसको हम लोग वर्ड फैमिली बोलते हैं, वर्ड फैमिली बनाना सिखाएंगे उसके वोकैबलरी कोर्सेज में। आप अगर हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज देखे होंगे अनअकैडमी पर, तो स्पेलिंग का जो हमने कोर्स दिया था तहलका था, पूरे अनअकैडमी पे तहलका था, कि वो जो कोर्स था कि कैसे हम लोग स्पेलिंग करेक्शन करें, उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो इस तरह की यूनिक कोर्सेज जो कि जनरली आपको ग्रामर टीचर्स पढ़ाते नहीं है, ग्रामर कोर्सेज में मिलता नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन टीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अनअकैडमी जैसा ग्रेट प्लेटफॉर्म पर भी वो सब चीजें नहीं होती है, आई विल मेक यू प्रोवाइड विद दैट, ओके। और बाकी तो अपना यूट्यूब है जनरल चीजों के लिए, जैसे कॉमन एरर है, चैप्टर वाइज ग्रामर है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, सब चीजें हम लोग यहां कर रहे हैं, यहां करते रहेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर आके स्पेशल स्पेशल चीजें करेंगे जो हमारे जड़ को मजबूत करके सीधे एग्जाम का स्कोर डबल करवाएगा, ठीक है जी। मैंने तो सालू दी आपको फॉलो भी कर दिया है सर। अच्छा 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 आपने सालू दी को भी फॉलो किया है अनअकैडमी पे जी, बहुत अच्छे। अनअकैडमी पे हो सकता है सालू का भी करंट अफेयर्स या कुछ का भी हो तुरंत लाइव, वो उनको भी ये इनविटेशन 20 दिन पहले गया हुआ है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। करीब करीब 1.5 महीना पहले मेरे पास भी, मेरा जो है वो इनविटेशन वहाँ से लगभग 45-44 दिन पहले आ चुका था, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण हम नहीं कर पा रहे थे। अभी हम तो 4-5 दिन पहले हमने आप लोगों से भी बातें करी कि हम करेंगे और सारी चीज़ें सही होगी, टाइम मैनेज कर रहे। तो बच्चों सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं आपका भविष्य बनाने में, आप सहयोग कीजिए कि इस बात में कि हम आपका भविष्य बेहतर बना सकें बस। और इसका सहयोग के लिए आपको रेगुलर मेरे सभी क्लासेस को अटेंड करना है,
ठीक है, बॉदर नहीं करना है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी समस्या हो तो हमसे बात करनी है। आज के लिए इतना ही पे छोड़ देते हैं, कल मिलते हैं फिर। मेरे सारे सेशंस को ज्वाइन कीजिए, जहाँ कहीं भी हम लाइव सेशन करवा रहे हैं लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए, हम यूनिक चीज़ें सिखाएंगे। जैसे अभी हमने प्रीपोजिशन में भी आपको वो सारी चीज़ें उठा के डाली हैं, और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं, ठीक है। उनका एक अच्छा सा कंप्लीट सा कलेक्शन हमने दिया है आप लोगों को, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन माई लाइव सेशन सो सिंसियरली एंड एक्टिवली। ऑल ऑफ यू टेक केयर, और बचिए कोरोना से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैर पसार रहा है। मेरा इतना तगड़ा लाइव क्लास देने का कारण सिर्फ यही है कि आपको बाहर घर से ना निकलना पड़े किसी चीज़ के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहिए क्लासेस के दौरान, ताकि आप ना निकलें। अपने और अपने घर वालों की सुरक्षा, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अनावश्यक रोड पर नहीं चलिए। वी आर विथ यू फॉर आवर बेटर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू सहयोग करने के लिए। माँ सरस्वती मेरे अंदर इतनी क्षमता दे, और मेरा स्वभाव हमेशा ऐसा रखे कि हम आप लोगों के भविष्य को संवारते रहे। धन्यवाद। आज के लिए लाइव सेशन यही समाप्त करते हैं, बाकी जो जी जरूरत होगा कमेंट्स में लिखिएगा, हम कमेंट्स पढ़ के रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच। Good night, everybody. Thank you. Take care.